नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज, मैं हूँ राशि। ग्वालियर में एकता परिषद की सभा में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। सिंधिया ने आदिवासियों की भूमि अधिकार की लड़ाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजी और उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी सरकार ने नोटबंदी कर जनता के साथ धोखा किया है और GST लागू कर व्यापारियों का व्यापार ठप्प कर दिया है। कि मध्य प्रदेश में आज और देश में आज दो गोलियां चली हैं, एक नोटबंदी की गोली चली है और दूसरा GST जो गब्बर सिंह टैक्स नरेंद्र मोदी लाया है, उससे आदिवासी समाज के लाखों लोग आज पूरे देश में बेरोजगार हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा की योजना लाई थी, आदिवासी समाज को रोजगार के अवसर दिलवाए थे। कांग्रेस की सरकार ने सूचना अधिकार आयोग। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।